एनम दंड पाणे सकाशम कृतकिल विषम निश्यामः अकृत निर्वेशम जात्र दंडेन शुद्ध्यति। अतः एनम दंड पाणे सकाशम कृतकिल विषम निश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्ध्यति। अत एनम दंडपाणे सकाशम कृतकिलविषम निश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्ध्यति। शब्दों का अर्थ इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेंद्र स्वामी प्रभुपाद द्वारा ततः इसलिए एनम उसको दंड पाने हैं यमराज के जिसे दंड देने का अधिकार है सकाशम समक्ष कृतकिल्भिषम जिसने नियमित रूप से सारे पाप कर्म किए हैं नेशमः हम ले जाएंगे अकृत निर्विषम जिसने प्रायश्चित नहीं किया हो यत्र जहां दंडेन दंड द्वारा शुद्ध्यति शुद्ध बना दिया जाएगा। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा विष्णु दूतों ने अजामिल को यमराज के पास ले जाने से यमदूतों को रोक दिया था। अतएव यमदूतों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को यमराज के पास ले जाना उचित है। चूंकि अजामिल ने अपने पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया था, अतः उसे शुद्ध बनाने के लिए यमराज के पास ले जाया जाना था। जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह पापी बन जाता है, अतः उसका भी वध कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उसे तमाम पाप फल भोगने होंगे। इसी तरह अत्यधिक गर्हित पापी व्यक्तियों को यमराज द्वारा दंड दिया जाना शुद्धि की विधि है। अतएव यमदूतों ने विष्णु दूतों से अनुनय विनय की वे अजामिल को यमराज के पास ले जाने से न रोके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत अजामिल के जीवन का इतिहास शीर्षक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों के बीच संवाद है। यमराज के दूत अजामिल को नरक ले जाने के लिए गले में पास बांध चुके थे और वे नरक की ओर खींच रहे थे। नरक यहाँ से दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी से नीचे इसी ब्रह्मांड में है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से अलग जहाँ पितृलोक है वहाँ पर नरक है। तो उधर खींच रहे थे, भगवान के पार्षद आकर के मना कर दिए। तब यमराज जी के दूतों ने कहा, आप लोग क्यों इसको रोक रहे हैं? यह बहुत बड़ा पापी है, इसको ले जाने दीजिए नरक में। और वही अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक में यही कह रहे हैं, निश्यामा हम ले जाएंगे अकृत निर्वेशन, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया है। इस जीवन में यदि मनुष्य से कोई पाप हो जाए तो इसी जीवन में उस पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, लेकिन यह अजामिल अकृत निर्वेशम निर्वेशम प्रायश्चितम अकृत नहीं किया है। इसका पाप ज्यों का त्यों है, अतः इसे हम दंड पाणे सकाशम दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, जहाँ उन पर यह अपने पाप के अनुसार शुद्ध किया जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इस जीवन में पाप करते हैं और पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं, पाप समाप्त करने का उपाय नहीं करते हैं, तो यमराज के पास जाना ही होगा और वहाँ पर बहुत अधिक दंड दिया जाता है पाप के अनुसार। और यमराज के दरबार में जीवों को मनुष्यों को शुद्ध करने की यह विधि है। बहुत प्रकार के नरकों में डाल डाल करके उसे सताया जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है, और इस तरह से उसके पाप का फल छीण होता है। तो प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म है कि वह इस विधि को समझने की चेष्टा करें कि पाप का कैसे प्रायश्चित होता है। कुछ लोग तो इतने अज्ञ हैं कि वे कहते हैं कहाँ पर नरक है, यमराज कहाँ है, हम नहीं देखते हैं, परंतु हमें भागवत से, शास्त्रों से, पुराण से
ये देखना चाहिए कि जमराज जी हैं और जमराज जी के दूत भी हैं, नरक में भारी भारी दुख है, वहां जाना पड़ सकता है। इस शास्त्रों के आलोक में हमें यह जान लेना चाहिए। अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत पवित्र क्षेत्र में जन्म हुआ था उसका, कन्नौज। यह शहर कानपुर और लखनऊ के बीच में है। ये अजामिल यूपी वाला था, पर कोई भी हो, यूपी में हो या महाराष्ट्र में हो या किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, उसे नरक में जाना ही पड़ता है पाप करने पर। पहले यह बहुत अच्छा व्यक्ति था अजामिल। जमराज के दूत अजामिल के गुणों को पहले गिनाए हैं। अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय, अयम ही जो बेड पर लेटा हुआ था उसको देखकर जमराज के दूत कह रहे हैं अयम ही यह श्रुत संपन्न, पहले बहुत वेद शास्त्र पढ़ा था, सुना था, यह बहुत वेद शास्त्र पढ़ा है सुना है, श्रुत संपन्न ज्ञान से संपन्न है, शील वृत्त गुणालय, शील में आचरण में और गुणों में तो यह बहुत बढ़ा हुआ है, उसका खजाना ही है। शुरू में यह बहुत अच्छा था। तो अजामिल के गुणों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं, वे यह कहना चाहते हैं कि यह बहुत बड़ी गलती किया है, बहुत बड़ा पापी है, आरूढ़ च्युत है, यह ऊंचा चढ़ करके गिरा है। पहले से ही कोई छोटा हो व्यक्ति तो उससे गलती हो तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन इतने बड़े वंश में जन्म ले करके और जन्म लेने के बाद बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी यह गलती किया है। तो इसीलिए गुण गिना रहे हैं, श्रुत संपन्न, अयम ही श्रुत संपन्न, यह ज्ञान संपन्न था, शील में बहुत अच्छा था। शील का अर्थ है अपने से बड़ों के सामने नम्र होना और समान लोगों के साथ मित्रता रखना और अपने से छोटे लोगों के प्रति दया रखना, इसको शील कहते हैं। स्वभाव, इसका स्वभाव बहुत अच्छा था और दया आदि गुणों से यह युक्त था। धृत व्रतो मृदुर दांत, यह अनेक व्रतों का पालन करता था। धृत व्रत, यह नवरात्र आदि को ठीक से पूरा करता था। मृदु और अत्यंत मृदु था, सरल था। दांत, यह अपने इंद्रियों को बस में रखा था, इसका मन, इसकी आँख, इसकी वाणी, कान, सभी
दांत थे, कंट्रोल में थे। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम सुसुरसु, या गुरुजनों की, अग्निदेव की, अतिथियों की और वृद्धों की सेवा करता था सुसुरसु। ये सब गुण हैं। अग्नि की सेवा करता था, अग्नि में नित्य हवन करता था और अतिथियों को खिलाता था, बड़ा प्रेम करता था और वृद्धों की सेवा करता था। वृद्ध मतलब वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध, दोनों प्रकार के वृद्धों की सेवा करता था निरहंकृता। और ये सब काम करके इसमें कोई अहंकार नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। निरहंकार था, अहंकार शून्य था। यह गुण का वर्णन किए, इतने इतना बड़ा व्यक्ति था, अच्छा था, पर एक दिन में यह बिगड़ गया। एक दासौ वनम जातो पितृ संदेश कृत द्विजः। यह ब्राह्मण पिता के आदेश का पालन करने वाला था। एक दिन की बात है, पिता ने आदेश दिया इसको कि वन से फल फूल समिधा और कुश लेकर के आओ, भगवान की पूजा में ये सब काम आते हैं। तो पिताजी इसके भक्त थे, वे भेजे इसको कि जाओ वन से पुष्प फल और समिधा और कुश लेकर के आओ। तो गया, चारों चीज को इकट्ठा किया, आदाय तत आवृत, फल पुष्प समित कुसान, चारों चीज इकट्ठा किया वन में और ले करके आ रहा था। एक छोटी सी घटना हो गई। ददर्श कामिनम कंचित शूद्रम स भुजिष्यया। इसने एक शूद्र को देखा, एक उल्टा स्त्री के साथ, पित्वा च मधुमेरेयम, वह स्त्री शराब पी ली थी और शराब के नशे में आघूर्णित नेत्र, उसकी आंखें भ्रमित हो रही थी, वो मत्त थी। मत्तया विश्लथत निव्या, और उसकी नीवी विश्लथित हो रही थी, ढीली हो गई थी। नीवी का अर्थ है बेल्ट। उसको कोई ध्यान नहीं था, वो मतवाली हो गई थी और उसके अधो वस्त्र गिर रहे थे। उसी के साथ वह शूद्र व्यपेतन लिपटा हुआ था, निरपत्रपन, और उसको कोई लज्जा नहीं थी उस शूद्र को। उस कामी को देखा और उस वेश्या को भी देखा, बाहुना काम लिपते न, उसके
हाथ में, शूद्र के हाथ में हल्दी लगी हुई थी, उस हाथ से उस कुलटा स्त्री को पकड़े था, उसके साथ क्रीड़ा कर रहा था, क्रीड़ंतम अनुगायंतम, और उसके साथ उस स्त्री के साथ गीत गा रहा था। कभी वो गाती थी उसी गीत को यह गाता था, हसंतम अनयांतिके अनया अंतिके, उस वेश्या के पास वो हंस रहा था, तो उसकी हंसी को, उसके गाने को, उसकी क्रीड़ा को और उस वेश्या को ये देख रहा था। दृष्टि पड़ गई, वो देखने लगा तो अकस्मात उसे ध्यान आया, अस्तम्भयन, अस्तम्भयन आत्मनात्मानम, अपनी बुद्धि से अपने मन को समझाने लगा, रोका। उसने ये विचार किया कि मुझे नहीं देखना चाहिए। जावत सत्वम यथा श्रुतम, जहाँ तक उसका बुद्धि काम किया, जहाँ तक बुद्धि थी, और यथा श्रुतम जितना शास्त्र का अध्ययन था, बल था, यथा श्रुतम, तो उसे श्लोक याद आने लगे। श्लोकों के बल से वो अपने मन को रोकने की चेष्टा किया। स्तंभेन आत्मनात्मानम, अपने मन को रोका, लेकिन न ससाक समाधातुम मनो मदन वेपितम, अपने काम से आहत मन को समझा नहीं पाया। एक बार देह करके दशा हुई, न ससाक समाधातुम मनः मदन वेपितम, काम के वेग से चंचल मन को वो समाहित नहीं कर सका। फिर आया अपने घर, अपने पिताजी को दिया चारों चीज, फल पुष्प समित कुसान, फल फूल समिधा और कुश, लेकिन तामेव मनसा ध्यायन, और मन में उसी स्त्री का वो चिंतन करने लगा, स्वधर्मात् विराम, अपने धर्म से विरत हो गया। जिन गुणों का वर्णन किया गया उसके अनुसार वो उसके कर्म थे, अपने धर्म, ब्राह्मण का धर्म, संध्या वंदन आदि करना, वेद पढ़ना, ये सब धर्म है उसके, उससे वो विरत हो गया, गिर गया। मन पर इतना असर हो चुका था उस शूद्र के आचरण का, और उस वेश्या के प्रति इसका आकर्षण हो चुका था, इतना ज्यादा था कि वो भूलने की चेष्टा किया लेकिन नहीं भूल सका। घर में सब समय उसी का चिंतन करता था, उस वेश्या को मैं लाऊंगा अपने घर, वह उसी दिन उसी समय वो चला गया फिर वन में, और उससे पूरा परिचय किया, उसका आईडी लिया और उसको अपने घर में लाया।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमेव तो श्यामा स पितृण अर्थे न जावता है। उसके बाप का जो भी धन था उस धन को लगा दिया उस स्त्री को संतुष्ट करने में, ग्राम्य ही मनोरमय कामय प्रसिद्धता जथा तथा, जैसे भी वो खुश रहे उसकी प्रसन्नता में अपने पिता का सारा धन स्वाहा कर दिया। पिता का धन समाप्त हो गया तो इसके बाद अपहरण, चोरी, जुआ, हत्या ये सब करने लगा। जैसे तैसे न्याय से अन्याय से धन लाता था। तो वैश्या को इससे तो कोई मतलब नहीं था, धन कहाँ से आ रहा है, बस धन आना चाहिए, इसको इसी से मतलब था। वह खूब सुंदर सुंदर वस्त्र मंगाती थी, आभूषण मंगाती थी और अजामिल उसी को संतुष्ट करने में लगा था। तामेव तो श्यामास, ताम एव उसी को संतुष्ट करने में लगा था। जतस ततस चोपनिन्ने न्यायतो अन्यायतो धनम, जदसौ शास्त्र मूलंघ्य स्वैराचार्यार्ज आर्ज गर्हित, यह शास्त्र की अवहेलना किया, शास्त्र की परवाह नहीं किया, बल्कि कोई शास्त्र की बात कभी कुछ कहता था जो कहता था ये सब झूठा है, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने लगा। जो काम आर्यों द्वारा निंदित है वह काम ही करता था, सज्जनों के द्वारा जो कार्य निंदित है वही करता था, शराब पीना, मांस खाना। तो यह पूरा पाप ही है, खुद पाप है। इसने जीवन में केवल मल खाया है, ये वेश्या का जूठा खाता था, उसी के साथ रात दिन रहता था। इसकी अपनी पत्नी थी, बहुत ऊंचे कुल में जन्मी हुई ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदरी थी, परंतु वेश्या के दृष्टि में फंस चुका था। तो उस वेश्या ने कहा, इसको आप यदि हमको रखना चाहते हो तो इसको घर से निकालो। तो उसकी आज्ञा पा करके वेश्या को रख लिया और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तो ये अंत में कह रहे हैं, ततः इस कारण से एनम इसको दंड पाणे सकाशम निश्याम, दंड पाणी के पास ले जाएंगे। दंड पाणी यमराज जी को कहते हैं, वैसे वे हाथ में दंड लिए भी रहते हैं, लेकिन दंड का अर्थ है पनिशमेंट, वही अधिकारी हैं पापियों को दंड देने के, उनके हाथ में यह है। तो ऐसे जमराज के पास ले जाएंगे, वहां क्यों ले जाएंगे कह रहे हैं, वहां शुद्ध करने के लिए ले जाएंगे। जब इसे मारा जाएगा तो जमराज जी आज्ञा देंगे कि इसको इस नरक में ले जाओ,
यहाँ ले जाओ, यहाँ मारो, यहाँ काटो, तो उसके अनुसार हम लोग इसको मारेंगे, पीटेंगे, जलाएंगे, इस तरह से शुद्ध होगा। जत्र दंडे न शुद्ध्यति, यह कोई निर्दय व्यवस्था नहीं है। भगवान के राज्य में ये जीवों को शुद्ध करने की व्यवस्था है, जीवों नहीं मनुष्यों को। मनुष्यों में जो अतिशय पापी हैं, हत्या करते हैं जीवों की, गौ हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इन सब दुष्टों को ले जाया जाएगा जमराज के यहाँ, और वो उचित दंड का विधान करेंगे। ये हम सभी का जीवन परवश है, हम दूसरे के अधीन हैं। इस जीवन में भी और इसके बाद भी, इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा अपने कर्म के अनुसार। यदि स्वर्ग जाने के अधिकारी होंगे तो देवता बनाए जाएंगे, देवता का शरीर मिलेगा, या अपने कर्म अनुसार पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी हो सकते हैं। पापी मनुष्यों को एक शरीर दिया जाता है, यातना शरीर। यातना शरीर से हम नरक की यात्रा करते हैं, नरक में जाते हैं। बहुत बुरी तरह से जमराज के दूत ले जाते हैं, किसी वाहन से नहीं, पैदल और मारते हुए। जैसे घोड़ा को मारने के लिए कोड़ा होता है, ऐसे कोड़ा से मारते हैं, और जब चलने की शक्ति नहीं होती है तो गाली देते हैं। पानी मांगने पर बहुत गलत बात बोलते हैं, और प्यास लगती है, पानी मांगता है, लेकिन पानी के बदले गाली मिलती है। भूख लगती है तो उसके मुख को फाड़ करके उसमें शराब के बदले लोहा गरम पिलाते हैं नरक में पहुंचने पर। इस तरह से बहुत दुर्गति होती है रास्ते में, और वहां पहुंचने के बाद तो जो स्वागत होता है वो तो रास्ते में कितनी दुर्गति होती है, और वह रास्ता कितना बड़ा है, 99,000 योजन, लगभग 4,00,000 कोस, 8,00,000 माइल, इतना दूर रास्ते में जाना पड़ता है। भगवान के पार्षदों ने जब यह सुना तो वे कहने लगे, जो प्रायश्चित नहीं करता है उसको नरक में ले जाना उचित है, लेकिन यह अजामिल ये तो पाप का प्रायश्चित कर चुका है, तो जमराज जी के दूत आश्चर्यचकित हो गए। मैंने पूछा, इसने क्या प्रायश्चित किया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, जब इसने भगवान के नाम का 4 अक्षर उच्चारण किया, नारायण,
उसी समय इसके करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित हो गया। यह नरक में जाने योग्य नहीं है, इसको आप लोग नरक में नहीं ले जा सकते। आप विचार करें, आप लोग भी विद्वान हैं शास्त्र के, इसमें कहाँ पाप है। एते नैव यघो नस्य, इतने से ही इसके पापों का प्रायश्चित हो गया। कोई भी व्यक्ति यदि हरी हरी बोल देता है अवश अवस्था में भी, तो उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। सबसे बढ़ करके श्रेष्ठ काम है भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जमराज के दूतों ने गरज कर कहा, ये भगवान का नाम नहीं लिया है तो अपने बेटा का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, कैसे भी लिया, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे अग्नि है, अग्नि को यदि सूखे ईंधन पर डाल दिया जाए, एक बच्चा भी डाल दे तो जलाएगा ही। ये अग्नि का स्वभाव है, जलाएगा ही। और कोई बहुत शक्तिशाली औषधि है, दवा है, तो उसको किसी भी तरह से कोई पी ले तो अपना गुण वो प्रकट करेगा, वो रोग ठीक करेगा। ऐसे ही भगवान का यह मंत्र, भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए, यह अपना गुण प्रकट करता ही है, पापों का नाश करता ही है। इसने पुत्र का नाम लिया, परंतु वास्तव में वह भगवान का ही नाम है। इस कारण से इसके पापों का प्रायश्चित हो गया। एक जन्म के पाप नहीं, करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो गया। जमराज के दूत कह रहे थे कि इसको हम ले जाएंगे नरक में, जमराज के पास, और भगवान के दूत कहते हैं नहीं, नहीं ले जा सकते हो, यह निष्पाप महात्मा है। अंत में जमराज के दूत छोड़ करके भाग गए। अजामिल मुक्त हो गया जमपास से। उसके बाद वो 15 वर्ष और जिया है। 88 वर्ष का था, उसके बाद 15 वर्ष और जिया, और भगवान के नाम की महिमा सुन लिया था, तो रात दिन भगवान का नाम जपता था। वो घर छोड़ करके हरिद्वार में चला गया और गंगा जी में अपना शरीर त्यागा। वहीं पर भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, और जय जत्र श्री अपति, और वहां गया। जमराज के पास नहीं, अब जहां श्रीपति रहते हैं वहां गया, बैकुंठ में गया। यह इतिहास है। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वे कहते हैं कि यह कथा मैंने अगस्त मुनि से सुना है। अगस्त जी जो मलय पर्वत पर रहते हैं,
जब एक कथा कह रहे थे, इतिहास सुना रहे थे, तो विश्वास के लिए सुखदेव गोस्वामी आदि मुनियों को सुना रहे थे, तो अपने डीटी का चरण छू छू करके कह रहे थे कि ये सत्य इतिहास है, ये सच्ची घटना है। तो यह कहकर के सुखदेव गोस्वामी यह कहना चाहते हैं कि यह बहुत बड़े प्रमाणिक ऋषि ब्राह्मण का कहा हुआ इतिहास है, और वो भी भगवान की पूजा करते समय कह रहे थे कथा। ये विश्वास करना चाहिए एक एक शब्द पर, ये परम सत्य है, और पाप अपराध तो होते ही हैं, अनजान में भी या जान करके, तो सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, सभी पाप समाप्त हो जाएंगे केवल भगवान के नाम के उच्चारण से, इस महामंत्र के उच्चारण से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यही करते रहना चाहिए। केवल पापों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम प्राप्त करने के लिए जपते रहना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज, अगर नरक में सब यातना भोगतने के बाद आदमी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और उसका पृथ्वी पर फिर से जन्म होता है, तो वो एकदम निष्पाप और निर्मल होना चाहिए, तो फिर क्यों कहा जाता है कि हमारे करोड़ों जन्मों के पाप बाकी है? तो जो जमराज के यहाँ शुद्धि होती है वो करोड़ों जन्म की शुद्धि नहीं होती है। भगवान के नाम से करोड़ों जन्म के पाप की शुद्धि होती है। जमराज के यहाँ तो एक जन्म के पापों की शुद्धि की जाती है, तो इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए कि ठीक है हम जमराज के यहाँ शुद्ध हो लेंगे। वो शुद्धि होने में बहुत दम सरक जाएगा, इतना काटेंगे मारेंगे कि उस शुद्धि की कौन अपेक्षा करेगा। अभी इसी जीवन में केवल भगवान के नाम का उच्चारण करके शुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, अजय मेर वैश्यस्त्री को घर में लेके आया और उनका धर्म पत्नी को घर से बाहर निकाला। इस समय उनका पिताजी भी थे, शायद उनका परिवार का अदर मेंबर्स भी थे,
मैंने सुना कि गुरु महाराज भी थे उनका, ये सभी देखकर सभी चुपके क्यों बैठे, उनको समझाने के लिए कोशिश नहीं किया? तो नगर पालिका से कही है। उसको कोई समझा नहीं पाया, किसी की बात वो सुन नहीं सका, वो तो जवान था ना। पिताजी को भी घर से निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया और वेश्या को लाकर रखा था। वो घर का मालिक था, उसको कोई क्या कर सकता था। जाकर सरकार से कह दीजिए कि उसको दंड दे। जमराज के दूत आए हैं, जब दूसरे कोई दंड नहीं दे सकते थे तब तो जमराज के दूत आए हैं ना। अगर सरकार दंड देती है पापी को तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जब कोई कंट्रोल नहीं कर सका किसी प्रकार से, धर्म कर्म का बल काम नहीं किया, तो नरक में जाना ही पड़ता है। अरे ऋषि महाराज जी, अजामिल अपने पुत्र के नाम से भगवान का नाम ले रहा था और हम जब सुनते हैं थे कि बहुत शुद्ध तरीके से नाम लेना चाहिए भगवान का, शुद्ध नाम लेना चाहिए, तो हमें किस तरह नाम जप करना चाहिए? उच्चारण होना चाहिए शुद्ध जप या अशुद्ध जप, ये बाल की खाल निकालना नहीं, बस जप होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये शुद्ध जप कीजिए, शुद्ध जप कीजिए। यह उपदेश बहुत कम है, जप करने के लिए ही आदेश है। श्रील प्रभुपाद एक स्लोगन दिए हैं, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चांट करना है, चांट मतलब बोलना है महामंत्र, यही बोलते रहिए, यही सब अपराध को, सभी प्रकार की अशुद्धि को दूर करेगा। जब भी उपदेश दिया गया है शास्त्रों में तो यही कहा गया है, भगवान का नाम बोलो। बोलना बहुत बड़ा धर्म है, भगवान का नाम। ज्यादा इसके फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, अपराध हो रहा है, ये हो रहा है। अपराध यही है कि भगवान का नाम नहीं बोल रहे हैं। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, परम पवित्र है, उसे बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये अब आगे आ रहा है दिसंबर, मैराथन का महीना है, तो इसमें इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। हाथ में पुस्तक लेकर के किसी मनुष्य को जो ज्ञानहीन है
या ज्ञानी है जैसे भी है उससे पढ़ने की विनती करनी चाहिए। बहुत नम्र भाषा में और मधुर भाषा में लोगों से कहना चाहिए कि आप इस्कान की यह पुस्तक पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक भगवद गीता एज इट इज, आपका जीवन कृतार्थ होगा। बहस नहीं करना चाहिए, प्रेम से और नम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उसके हित के लिए बात कहता है प्रेम से, ऐसे प्रेम से सबके साथ बोलना चाहिए और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने के लिए आग्रह करनी चाहिए। यदि समर्थ हैं तो दे सकते हैं भगवद गीता खरीद करके, एक दो दस बीस जो भी जितना कर सकें, प्रतिदिन इस यज्ञ में, इस पुस्तक वितरण यज्ञ में भाग लेना चाहिए। जैसे यज्ञ होता है तो लोग इच्छा करते हैं कि हम भी हवन में डालें, हम भी यज्ञ कुंड में डालें, तो यह महीना परम पवित्र महीना है और प्रभुपाद जी की ये बहुत बड़ी सेवा है, भगवान कृष्ण की सेवा है, तो जरूर इसके लिए मेहनत करना चाहिए। घूम घूम करके लोगों को कहना, भगवद गीता में भगवान के उपदेश हैं, इन उपदेशों को कहना चाहिए और लोगों से आग्रह करना चाहिए कि इसे पढ़ें। हरे कृष्णा महाराज। महाराज ऐसा बोलते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज जब ये लोग स्वर्ग यात्रा में गए तो उसके बाद उनको, युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ी देर के लिए नर्क की यातना दिखाई गई थी, परंतु कृष्ण तो उनके साथ युद्ध में हमेशा ही से थे पांडवों के साथ, और उन्होंने भी कृष्ण भगवान का नाम तो लिया ही होगा, शुद्ध नाम लिया ही होगा वो, और वो हमेशा से शुद्ध रहे ही थे, तो फिर भी उनको क्यों स्वर्गारोहण के समय उनको थोड़ी देर के लिए नर्क की यातना दिखाई गई? तो नरक में गए थे, नरक से थोड़ा दूर, तो नरक के जीवों का उद्धार करने के लिए, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ, उनके प्रभाव से नरकी जीव सब निकल निकल करके स्वर्ग चले गए। वो तो कोई नरक यात्रा नहीं हुई। तो बात हो रही थी भगवद गीता बांटने की, तो इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए जरूर। सम भाव से रहना चाहिए, प्रयास करें, मेहनत करें। कितनी गीता गई इस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है, हमने कितना प्रयास किया इसका महत्व है। हम गए बांटने के लिए तो चाहे हजार गीता बांटावे एक दिन में या दो चार बांटे, तो संख्या का महत्व उतना नहीं है जितना हमारे मेहनत का, हमारे नियत का,
हमने मेहनत किया, हमने दिखाया गीता, लोगों को कहा, घूमे जहाँ तहाँ, इसका अप्रिसिएशन है भगवान की दृष्टि में। तो हम आशा करते हैं कि अवश्य आप सभी भक्त इस यज्ञ में भाग लेते होंगे और आगे भी लेंगे। जय श्री लता भगवत गीता चथा रूप की जय।